दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल और तोड़फोड़ के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अब इस मामले को लेकर लखनऊ के 1090 चौराहे पर आपके सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग उठा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया है 1090 चौराहे पे। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता दिखाई दिए जो कि प्रदर्शन से मांग करते हुए दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की। अब जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, अब उसका असर लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले के मामले में पुलिस ने अब बड़ा एक्शन ले भी लिया है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल और तोड़फोड़ के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब इस मामले को लेकर लखनऊ के 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग उठा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, लगातार प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की। तो सीधे तौर पर दिल्ली में हुए हंगामे का असर लखनऊ में देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, बाकी जिलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, साथ ही कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर इसी तरह से मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये लखनऊ में भी देखने को मिला है। तस्वीरों में देखा जा सकता है लखनऊ के 1090 चौराहे पे एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कार्यवाही की। लखनऊ से आवाज उठाई जा रही है, दिल्ली में न्याय की गुहार लगाई जा रही है, दिल्ली के लिए कार्यवाही की मांग करी जा रही है। केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि इसमें एक्शन भी ले लिया गया है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है लखनऊ के 1090 चौराहे पे और दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर पे तोड़फोड़ की गई, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, एक विधानसभा के सदन के दौरान विगत कुछ दिन पहले कश्मीरी फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल के आलोचना के बाद, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा था कि एक निजी प्रोडक्शन कंपनी और एक डायरेक्टर एक मुद्दे पे पिक्चर बना के और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उसी के दौरान उनके द्वारा कहा गया था सदन में, दिल्ली विधानसभा के अंदर में, कि इस पिक्चर को अगर सबके तक पहुंचाना है तो YouTube पे डाल दो, टैक्स फ्री क्यों करते हो। जिसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी क्रम में दिल्ली में कल तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में सीएम का जो घर है उसके बाहर एक धरना दिया गया। धरना धीरे धीरे उग्र होते हुए तमाम चक्र को तोड़कर और जो मुख्यमंत्री केजरीवाल का जो घर का दरवाजा था उसको भगवे रंग के पेंट से रंग दिया जाता है। वहां मौजूद CCTV कैमरे और तमाम चीजों का तोड़फोड़ की जाती है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात होती है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री के बाहर तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, तमाम बैरिकेडिंग होती है, भारी संख्या में पुलिस मौजूद होती है, उसके बावजूद कार्यकर्ता अंदर कैसे आ गए। वही अब बता दें आपको कि इस मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। वही कल तेजस्वी सूर्या से भी पूछताछ की गई, जो युवा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज पूरे देश के अंदर में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ के जो पत्रकार भवन पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है उसके बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन किया और
ये जो प्रदर्शन था ये 10:90 से शुरू हुआ, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कहीं आगे जाके छोड़ दिया और ये प्रदर्शन में पूरी तरह से खंड हो गया, अब लोग तितर बितर हो गया। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी का जो पत्रकार प्रथम लखनऊ में कार्यालय है, उस कार्यालय के आसपास लोगों ने मार्च निकाला और प्रदर्शन किया, जिसमें साफ तौर पे कहना था कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में कैसे मतलब चूक हो गई और कैसे गेट तक जो प्रदर्शनकारी थे वो पहुंच चुके। और वही अरविंद केजरीवाल का कहना है कि क्या नैरेटिव पेश करना चाहती है बीजेपी ऐसी पॉलिटिक्स से और युवाओं को क्या जवाब देगी। वहीं जो उत्तर दिल्ली के तो आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, इस मामले में कौन लोग शामिल है? जी, इसमें साफ तौर पे देखा जाए तो तस्वीरों में साफ हो चुकी है कि भाजपा के युवा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और सांसद तेजस्वी सूर्या की अध्यक्षता में नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता एक शांतिपूर्वक धरना के लिए जाते हैं, जिसके बाद वो धरना उग्र हो जाता है और जो सीएम केजरीवाल के घर का दरवाजा था उसको भगवा पेंट किया जाता है। और आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट आया है कि पंजाब में मिली करारी हार से बीजेपी उसे पचा नहीं पा रही है और इसी को देखते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने अगर कोई मुकाबला देने को आज के समय में तैयार है तो वो अरविंद केजरीवाल है और उसे और अरविंद केजरीवाल को जान से मारना चाहती है, ऐसा मनीष सिसोदिया जो कि उत्तर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है उनका कहना है। जी जी, अगर बात करें कार्रवाई की तो तेजस्वी सूर्या पर भी कार्रवाई होगी, क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? जी, मिली जानकारी के अनुसार अब तक पूरे मामले की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही दिल्ली पुलिस जो वहां पे प्रदर्शनकारी उग्र है उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल सकती है, मगर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु बड़ी त्रिपाठी जुड़े थे। तो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले को लेकर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश नजर आ रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बलिया पेपर लीक मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं कार्रवाई करते हुए DIOS ब्रजेश मिश्रा समेत 17 आरोपियों के पास से पेपर भी बरामद किया गया है। शिक्षा विभाग में दागी छवि रखने वाले ब्रजेश मिश्रा के पास प्रयागराज के सिविल लाइन के पॉश इलाके में करोड़ों की कोठी है। इसके अलावा बिहार में उनका शॉपिंग मॉल भी है। आपको बता दें कि बलिया में 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद 24 जिलों में बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो जिस तरह से बलिया से पेपर लीक हुआ और जिस कोड का पेपर था उस वो कोड के पेपर जहां जहां पे भी जाने थे उन 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार एक्शन मोड में शासन प्रशासन नजर आ रहा है और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, 12वीं के अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। और अब इसमें एक सबसे अहम नाम सामने आ रहा है, कार्रवाई DIOS ब्रजेश मिश्रा, जिन्हें भी 17 आरोपितों के साथ गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से पेपर भी बरामद किए गए हैं। और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है ब्रजेश मिश्रा के ऊपर, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि पहले भी वो कई मामलों में उनका नाम सामने आ चुका है और जिस तरह की उनकी छवि देखने को मिली है, क्या कहेंगे इसमें? जो बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं ब्रजेश कुमार मिश्रा, उनके ऊपर आरोप पहले भी लग चुके हैं और अभी हाल में हमने देखा है कि पहले भी उनके इस तरह के आरोप रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई थी। और जिस तरह से कल यानी अंग्रेजी का 24 जनपदों में पेपर लीक हुआ है और बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बोर्ड का बहुत नाम है और निश्चित रूप से अगर बाहर कहा जाए कि और निश्चित से बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश अभी हाल में सरकार गठन हुआ है और सरकार गठन के शुरुआती दौर में ही अगर प्रश्नपत्र लीक होता है तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी खराब नुकसान पहुंचता है। कहीं ना कहीं जो छात्र हैं जो उनको अब दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, हालांकि सरकार ने कहा है कि 13 अप्रैल को दोबारा हम परीक्षा को कराएंगे, पर कहीं ना कहीं छात्रों को भी उदासी होती है और निराशा हाथ लगती है कि उनका पेपर लीक हो गया है, वो तैयारी करके बैठे हुए थे, उनको दोबारा फिर उसी धरने पर तैयारी करनी है। पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको आघात जरूर है। अगर जिला विद्यालय निरीक्षक की बात करें ब्रजेश कुमार मिश्रा, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तब से बलिया से जो स्थानीय जो पत्रकार है उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब तक
कल तक अगर 17 लोग गिरफ्तार किए थे तो आज 5 लोग और गिरफ्तार किए हैं, अब तक लगभग 22 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। जी गौरव, जिस तरह से ब्रिजेश मिश्रा की प्रॉपर्टी की बात भी सामने आ रही है कि प्रयागराज के सिविल लाइन में जो कि पॉश इलाका है वहां पे उनकी कोठी है, इसके अलावा बिहार में शॉपिंग मॉल है, तो क्या अब इनके ऊपर कई और शिकंजे भी कस सकते हैं? बिल्कुल शिकंजे कसना चाहिए, और सरकार पहले ही प्रयास करके, केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि आप जो IAS IPS जो जो बड़े अधिकारी हैं उनको अपनी संपत्ति खुलासा करने चले जब चल कर संपत्ति खुलासा करें, उसमें आपको बता दूं केवल 33% IAS IPS जो बड़े अधिकारियों ने खुलासा किया था। सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिस तरह से लोग लगातार अन्य माध्यमों से और गलत काम करके और बड़ी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उनकी चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जिससे कि और मामले खुल सकेंगे। जितने बड़े अधिकारी बड़े बड़े मामले सामने वो पैसे कहाँ से अर्जित करते हैं, चाहे वो IAS हो IPS हो बड़े अधिकारी हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर विशिष्ट अधिकारी की जो भूमिका रही है वो खराब रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोठी भी है और शॉपिंग मॉल भी, इसके अलावा कई बड़ी अचल संपत्ति लखनऊ में भी उनकी संपत्ति बताई गई है, तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध है। इस मामले में तो योगी सरकार ने SK को सौंप दिया, SK लगातार तलाश से काम कर रही है। मैं आपको बताया कि बलिया में जिला विद्यालय निरीक्षक जो आपके ब्रजेश कुमार मिश्रा उनके तहत जो वहां के जो लोकल पत्रकार है स्थानीय संभालता उनको भी उठाया गया है, और अब तक इस मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और सरकार लगातार बोल रही है कि जो भी लोग पकड़े जाएंगे कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सब पर रासुका लगाने का निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। जी ऐसा भी माना जा रहा है कि 500 रुपए में ये पेपर बिक रहे थे, इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी तक कई पेपर लीक हुए हैं, रद्द किए गए हैं, अब बोर्ड की परीक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि काफी अहम मानी जाती है। बिल्कुल यही बात है कि भाई 500 पेपर बिक रहा है, कई कई जनपदों से खबर आई थी और कितने कौन इनको पेपर को मुहैया कराया है, पेपर कैसे बिके हैं, ये हालांकि अभी जांच का विषय है, पर निश्चित रूप से अब तक बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक मामले कम रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे, तो काफी अहम ये फैसला भी है कि आखिर जो अपराधी है, जो आरोपी है जिनके द्वारा ये पेपर लीक की इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो आखिर उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो, ताकि दूसरों तक उदाहरण भी पेश किया जाए कि जो ऐसे आरोपी हैं जो कि छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, तो उनके साथ उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से रुलाने लगी हैं, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में नवी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। तेल कंपनियों की ओर से घोषणा के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम 80-80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.01 रुपए प्रति लीटर बढ़कर अब 101.81 रुपए प्रति लीटर हो गई है, तो वही डीजल की कीमत भी बढ़कर 93.07 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वही उत्तर प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल की कीमतें 101.66 रुपए प्रति लीटर, तो वही डीजल 93.22 रुपए प्रति लीटर हो गया है, तो 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसमें रुकने का कहीं भी आसार नजर नहीं आ रहा है, और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए पेट्रोल पंप से संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जनता को रुला रही है, उनकी जेब पे असर पड़ रहा है, किस तरह से देखते, क्या इसके रुकने के आसार है, क्योंकि महंगाई हमेशा बढ़ती है, घटती सिर्फ चुनाव के वक्त में दिखती है। जी शिखा, अगर बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पिछले 9 दिनों से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर बात करें तो आज का रेट तो लखनऊ के मैं एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं, जहां जो पेट्रोल की कीमत है वो 101 रुपए कुछ पैसे है, वहीं अगर बात करें डीजल की तो 93 रुपए कुछ पैसे है। वहीं आपको बता दें कि इस बढ़ते पेट्रोल की कीमतों और डीजल की कीमतों से जो सवारियां ढोने वाली गाड़ियां हैं, साथ ही साथ जो मालवाहक गाड़ियां हैं, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें जो लोग प्रतिदिन अपने व्यावसायिक रूप से अपने बाइकों का उपयोग करते हैं, अपने गाड़ियों का उपयोग करते हैं, उन्हें भारी सामना झेलना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पे, तो माना यह जा रहा था कि रशिया जो भारत के साथ कम दामों पे पेट्रोल देने की बात कही थी, उसमें कहीं ना कहीं देखे तो रशिया भारत को
मात्र महज कुछ फीसदी पेट्रोल डीजल ईंधन देता है। वहीं अगर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसके वजह से भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। वहीं सरकार की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो तेल मार्केट है उसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वहां तेल की जो प्रति की बैरल कीमतें हैं उसमें कमी है, तो फिर पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है। इसमें राजनीति तो शुरू हो ही गई है और जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसका सीधा से जनता पे पड़ रहा है। हम देख सकते हैं आपके पीछे लोग मौजूद है, तो हम चाहेंगे आप उनसे बात करिए, उनसे जानिए कि जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका उनपे कितना असर पड़ रहा है। जी सिख, हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका विचार क्या है। मैम आप अपना नाम बता दीजिए। मैम अभी पेट्रोल और डीजल रसोई गैसों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी जेब पे कैसा असर आ रहा है? बहुत ज्यादा बुरा असर आ रहा है। क्या कहेंगे उस पे? कुछ कह नहीं सकते, अब गवर्नमेंट तो बैठी हुई है। सरकार से अपील क्या करेंगे? कुछ रिड्यूस करे तो सबको, आम आदमी को मतलब बेनिफिट मिले। जी तो सिखा आपने सुना कि सरकार से लोगों का ये कहना है कि पेट्रोल और डीजलों के दाम में कुछ घटाया जाए रेट को, जिससे उन्हें एक फायदा मिल सके। उसी क्रम में हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आप अपना नाम बता दें। ये बताएं कि पेट्रोल और डीजलों के दामों में पिछले 9 दिनों से बढ़ोतरी हो रही है, किस नजर से देखते हैं? अरे बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, आम लोगों के जेब पे बहुत असर पड़ रहा है, स्टूडेंट के, बेरोजगार लोगों के और जो छोटे लोग काम कर रहे हैं, छोटे उद्योगपति, उनसे बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं ईंधन को लेकर? इस पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। तो सिखा हमने यहाँ लोगों से बात किया जिसमें साफ तौर पे लोगों का कहना है कि सरकार को इस पे सोच के और पेट्रोल और डीजलों के दामों में कुछ घटोतरी की जानी चाहिए। जी सिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विमांशु से जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता पे भी इसका सीधा असर पड़ रहा है और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम शतक को पार करते हुए जा रहे हैं और ये आम जनता के लिए काफी बड़ी और बुरी खबर भी है, क्योंकि महंगाई हमेशा बढ़ती है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर काफी चीजों पे पड़ता है और पूरी महंगाई पर इसका असर बढ़ता है। हर चीज महंगी हो जाती है, वो चाहे सब्जी हो, राशन हो, हर चीज पर इसका असर देखने को मिलता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आगरा से है जहां महिला चिकित्सक की आत्महत्या के बाद प्राइवेट चिकित्सकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सभी चिकित्सक और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, जिससे मरीजों को बहुत परेशानी हुई। बता दें कि चिकित्सकों ने चिकित्सक आईएमए भवन से शहीद स्मारक संजय प्लेस तक मौन जुलूस निकाला। मैं डॉक्टर मुकेश गोयल, अध्यक्ष निर्वाचित आईएमए आगरा। सभी चिकित्सकों की हड़ताल है, क्या वजह है इसकी, क्या मांगे हैं? दरअसल बात यह है कि चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मरीजों का इलाज करते समय मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ दौसा के अंदर। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान मरीज ठीक भी था, लेकिन बाद में उसे कॉम्प्लिकेशन हुए कुछ, एक्सपायर हो गया। तो उनके खिलाफ धारा 302 में मर्डर में उनकी FIR लॉन्च की गई। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने उनको प्रेशराइज किया और इतना प्रेशराइज किया कि वो उसको झेल नहीं पाई और इसलिए उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो एक ये बहुत बड़ी घटना है, हमारा भाई बहन कोई एक्सपायर होता है तो उसके दुख में हम कैसे शामिल हो सकते हैं। और दूसरी बात, अपने संगठन के माध्यम से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं, इस तरह की घटना। महिला चिकित्सक की आत्महत्या के बाद प्राइवेट चिकित्सकों ने हड़ताल शुरू कर दी है और इसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इस दौरान सभी चिकित्सक और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं चिकित्सकों ने चिकित्सक आईएमए भवन से शहीद स्मारक संजय प्लेस तक मौन जुलूस भी निकाला। बता दें कि लखनऊ में भी आज एक मार्च का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शहीद स्मारक तक मार्च निकाली जाएगी आईएमए भवन से। तो वहीं आगरा में भी कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है जहां चिकित्सकों ने चिकित्सक आईएमए भवन से शहीद स्मारक तक संजय प्लेस तक मौन जुलूस निकाला है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं आगरा से। जिशान,
सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो महिला चिकित्सक है उसने क्यों आत्महत्या करी, पूरा मामला क्या है? राजस्थान के दौसा में महिला चिकित्सा की घटना के बाद जैसे आत्महत्या हुई, उसके बाद से आगरा के डॉक्टर और देश भर के डॉक्टरों में आक्रोशित हैं। उसके बाद आगरा के आईएनए के अध्यक्ष राजीव उपाध्याय ने निर्णय लिया और सभी डॉक्टरों ने कि 24 घंटे चिकित्सक सेवाओं को बंद कर दिया जाए। आज आगरा के यही शहीद स्मारक से मौन जुलूस निकाला जाएगा। जी, तो जिस तरह से मौन जुलूस निकाला जा रहा है, काफी नाराजगी देखने को मिल रही है चिकित्सकों में, उनकी मांग क्या है और जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, इससे आम जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव ने आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को अलर्ट कर दिया है, जिससे मरीजों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन आईएमए के अध्यक्ष राजीव उपाध्याय आज यही शहीद स्मारक से मौन जुलूस निकालेंगे। जी, तो जिस तरह से दवाओं की सेवाएं बंद कर दी है, इमरजेंसी की सेवाएं बंद कर दी है, तो क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है या फिर इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि परेशानी ना हो? जी, इससे काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं का बंद हो जाना एक अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता जिशान अहमद जुड़े थे आगरा से। तो जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है चिकित्सकों का, इसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। लखनऊ आगरा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और लगातार चिकित्सक मौन जुलूस निकालकर मौन प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो महिला चिकित्सक ने आत्महत्या की है, जिसके बाद से ही प्राइवेट चिकित्सकों ने हड़ताल भी शुरू कर दी है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और जुलूस निकाला जा रहा है ताकि अपनी मांग वो शासन प्रशासन तक पहुंचा सके और उस पर पूरी कार्रवाई की जाए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो